हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माको का पार्ट थ्री तो इससे पहले मैंने पार्ट वन पार्ट टू पढ़ाया था आप वहां जाके देख सकते हैं तो शुरू करते हैं बचा हुआ पोर्शन सो फार्माको में हमने पहले पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में दो था रिसेप्टर्स मेडिएटेड और नॉन रिसेप्टर्स मेडिएटेड ड्रग अपना एक्शन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर की मदद से तो और वो इफेक्ट कर रहा है बॉडी में अब हम पढ़ेंगे नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड जो कि बिना रिसेप्टर के कैसे ड्रग अपना एक्शन कर रहा है उसका कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं तो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग में पहला जो मेथड है बाय फिजिकल एक्शन ओके फिजिकल एक्शन की वजह से भी ड्रग अपना एक्शन करता है बॉडी में इफेक्ट करता है जिसमें आता है ऑस्मोसिस पहले ऑस्मोसिस हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करते हैं और वहाँ इफेक्ट करते हैं तो सेम यहाँ भी वैसा ही होता है तो कुछ ड्रग्स होते हैं एक्ट बाय एक्सर्टिंग एन ऑस्मोटिक इफेक्ट वो ऑस्मोटिक इफेक्ट दिखाते हैं अब ये ऑस्मोटिक इफेक्ट को समझते हैं ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा देख रहे हो ये है ड्रग मॉलिक्यूल्स और ये जो ग्रीन सा देख रहे हो वो है सेमी मेम्ब्रेन ओके जो कि परमिट करता है मॉलिक्यूल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ठीक है ना अब हमें ऑस्मोटिक इफेक्ट का एक रूल पता है कि अगर हमारा फ्लूड चाहे वो वाटर हो अगर वो अंदर बढ़ेगा तब तो जाके कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ेगा ओके okay, तो जी आई फ्लूड जो होता है हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टैनल फ्लूड होता है वो वाटर देगा इसमें और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा जो ड्रग्स मॉलिक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्रेन को क्रॉस करेंगे और टारगेट जहाँ पे इसको जाना होगा टारगेट एरिया पे वो वहाँ पे जाके एक्शन करेगा इसका तो ऑस्मोसिस की मदद से भी ड्रग अपना काम करता है दूसरा है एडजॉप्शन ओके एड्जॉपशन एक फिनोमिन है इट इज अ सरफेस प्रोसेस दैट लीड टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ फ्लूड बल्क टू अ सॉलिड सब्सटेंस, ओके देखो यहां पे क्या हो रहा है जो एडजॉर्बेंट है एड्जॉरबेंट जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है और एड्जॉरबेट जो है हमारा ड्रग्स है वो क्या होगा वो सरफेस के एड के सरफेस पे आके चिपक जाएगा और अपना एक्शन करेगा तो ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है तो एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस प्रोसेस दैट लीड टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम फ्लूड बल्क टू दि सर्फेस ओके यहाँ पे यह चिपक जाएगा इसके सरफेस पे और अपना एक्शन करेगा ये राइट right? ऐसे काम करता है जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं द एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब टॉक्सिन्स हेंस इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग पॉइजनिंग आपने देखा होगा कोई कोई आ, किसी किसी के बॉडी में ड्रग पॉइजनिंग हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जितने भी टॉक्सिन्स है वो चिपक जाते हैं इस पर और ड्रग पॉइजनिंग कम हो जाता है राइट दूसरा आता है डिमलसेंट ओके अभी डिमलसेंट क्या होता है कफ सिरफ आपने देखा होगा जनरली हम लोग खांसी के लिए देते हैं तो कफ सिरफ प्रोड्यूस सूदनिंग इफेक्ट इन फेरेंजाइटिस बाय कोटिंग द इनफ्लेम्ड म्यूकोसा क्योंकि फेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरें फेरिंग्स तो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा होता है वहां पे तो ये डिमल्सेंट क्या करता है कफ सिरफ क्या करता है वो इन्फ्लेमेशन में वो एरिया पे वो म्यूकोसा को कवर कर लेता है जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को नॉर्मल लगता है ओके okay? तो सूदिंग इफेक्ट होता है वहां पे राइट right? तो वो डिमल्सेंट ऐसे काम करता है तो ड्रग्स ऐसे भी काम करता है राइट right? अब आता है रेडियो एक्टिविटी से भी करता है तो कुछ हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो रेज एमिट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं टिश्यूज uh, को जो कि अनवांटेड टिश्यूज़ हैं जो कि इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं जैसे कैंसरस सेल्स हो गए उनको ये ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ठीक है मेनली ये कैंसर पेशेंट्स में यूज किया जाता है तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं 131 In जो होते हैं, के, उनमें हम लोग isotopes, 131 डालते हैं ताकि उसका थारोडिज्म थी, ठीक हो सके राइट अब दूसरा मेथड पहला तो मेथड हमने पढ़ लिया फिजिकल मेथड अब है केमिकल एक्शन से भी काम करता है ड्रग्स कैसे देखते हैं एंटा एसिड्स आर वीक बेस हमें पता है एंटा एसिड्स हम लोग देते हैं जब एसिडिटी हो जाती है तब हम लोग एंटा एसिड देते हैं और एंटा एसिड हमें पता है वीक बेस है राइट right? अब ये क्या करता है ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में एच प्रोड्यूस होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और ये ज़्यादा यूज होता है हमारे पेप्टिक अल्सर्स में ये यूज होता है राइट right? तो ऐसे भी काम करता है ड्रग्स मेटल्स लाइक आयरन कॉपर मर्क्यूरी ये सारे क्या होते हैं आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दॉडी विद द हेल्प ऑफ चीलेटिंग एजेंट की मदद से ये सारे आयरन कॉपर मर्क्यूरी एलिमिनेट हो जाते है. कैसे दे ट्रैप मेटल्स मेटल को वो ट्रैप करते हैं और फॉर्म्स वॉटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये वॉटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके जैसे डायमरकेपरोल इन आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई तो हम लोग डाय मरकेपरोल का इंजेक्शन लगाते हैं ये क्या करता है चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है वो पॉइजनिंग को रोकता है राइट right? और वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना के यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है तो पॉइजनिंग नहीं होता है इससे फिर डी पेनीसिलेमाइन इन कॉपर पॉइजनिंग में दिया जाता है तो ये एक एग्जाम्पल था नाउ थ्रू एंजाइम से भी ड्रग अपना काम करता है कैसे सम ड्रग्स एक्ट इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं इनहिबिट कर देते हैं कैसे देखते हैं जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये सच एज कैप्टोप्रिल एनलप्रिल ये होते हैं ये क्या करते हैं एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं राइट right? ये कब देते हैं हम लोग हाइपर में इसका यूज होता है जब होता है तब हम लोग ये देते हैं ये क्या करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कैप्टोप्रिल और एनलप्रिल वो इनहिबिट कर देता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को राइट right? दूसरा एग्जाम्पल है जेंथीन और हाइपोजेंथीन आर ऑक्सीडाइज टू यूरिक एसिड बाई देंटेड बाई एलोप्यूरिन इसको समझते हैं सिंपल सा है हमें पता है कि uh, zen, हाइपोजेंथिन और जेंथीन फाइनली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीडाइज होके वो भी किसकी मदद से जेंथीन ऑक्सीडेज की मदद से अब क्या हो रहा है ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है हमारे जैसे एलोपियोरिन होता है ये क्या करता है जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है अगर इसने इनहिबिट कर दिया तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो यूरिक एसिड नहीं फॉर्म होगा फिर यहां पे तो ये ऐसे काम करते हैं तो एंजाइम्स को इनहिबिट करके भी ड्रग एक्शन अपना काम करते हैं अब देखो जैसे वही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ एलोप्यूरिनोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गट टू रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड है ना अब क्रॉनिक गट होता है कभी कभी तो वहां हम लोग क्या करते हैं यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वहां हम लोग क्या करते हैं यूरिक एसिड को रोकने के लिए हम लोग एलोप्योरिनोल का यूज करते हैं उसको हम लोग जेंथीन ऑक्सीडेस को हम लोग इनहेबिट कर देते हैं तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनेगा दूसरा है थ्रू आयन चैनल से भी हम लोग करते हैं जैसे सम ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड टू द आयन चैनल्स एंड ऑल्टर फ्लो ऑफ आयन्स तो वो आयन चैनल्स पे डायरेक्टली एक्ट करेगा और आयन को फ्लो होना नहीं देगा जैसे एग्जाम्पल समझते हैं लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन न्यूरोनल मेम्रेन टू तो प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया हमें पता है जो एल हम डेंटल में लोकल एनेस्थीसिया देते दे हैं अगर हमने जैसे मान लो एक, एक देता जैसे कोई भी स्टोमेशन हुआ पेन गया और वो हमारे स्पाइनल में जाता है न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स में जाता है सॉरी अब लोकल एनेस्थीसिया हमने दिया राइट तो लोकल एनेस्थीसिया हमने दिया तो एल क्या करता है वो सोडियम गेटेड चैनल को ब्लॉक कर देता है जब वो लोकल एनेस्थेटा जब बाइंड होता है सोडियम गेटेड चैनल में वो उसको इनएक्टिव कर देता है सोडियम को फ्लो होने नहीं देता अगर फ्लो नहीं होगा तो फिर सेंसेस नहीं जाएंगे मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स ब्लॉक हो गए तो ऐसे भी काम करता है डायरेक्टली वो सोडियम चैनल पे एक्ट करता है और आयंस को फ्लो होने से रोकता है ठीक है ना पहले सोडियम uh, फ्लो हो रहा था अब इसने जैसे ही इनहिबिट कर दिया इसको तो ये सोडियम फ्लो नहीं होगा तो मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस नहीं काम करेंगे तो पेन नहीं होगा तो ऐसे काम करता है अब दूसरी दूसरा मेथड है थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन से भी होता है जैसे वैक्सीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्टूमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज है ना जब हम वैक्सीन डालते हैं बॉडी में तो एंटीबॉडीज मतलब तो क्योंकि हम लोग एंटीजन डाल रहे हैं तो हमारा बॉडीज क्या प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो ऐसे भी ड्रग एक्शन करता है अपना जैसे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं अगेंस्ट ट्यूबर लगाते हैं ना

तो आप हाई होप समझ गए होंगे और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद हम लोग आगे के फर्दर चैप्टर शुरू करेंगे ओके थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत